नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, गुरुवार को पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है, जिसके जश्न की तैयारी में पूरी दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी लगभग 100 कमेटियां अपने अपने तरीके से इस जश्न की तैयारियों में जुटी हुई हैं। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के जश्न से पूर्व तैयारियों में लगी हुई कमेटियों के द्वारा तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मलदनाका शहर कमेटी के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस शिविर में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रफीक और डॉक्टर शबाना रफीक मौजूद रहे। मोहम्मद साहब की याद में आयोजित इस रक्तदान शिविर की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर आज यहाँ पर नगर कमेटी के जरिए से एक रक्तदान शिविर का आयोजन करके एक नई शुरुआत की। हमेशा से हम देखते रहे हैं कि हम लोग खुशी को मनाते हैं अपने नबी करीम की पैदाइश के मौके पर। उसमें एक तरीके से जैसे होता है कि डीजे वगैरह या रोशनी वगैरह सखी उसको रखते हैं, एक इस तरीके की एक मुहिम भी चलानी चाहिए साथ में, जो एक बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। तो इस मामले में हम लोगों ने बहुत लोगों से राय मशवरा करके और आज ये नई शुरुआत की और ये एक तरीके का कार्य खैर है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है, ये जिंदगी बचाने की मुहिम है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये खून जो आज दिया जा रहा है, ये पता नहीं किसके काम आएगा, जरूरतमंद के, और बिना किसी भेदभाव के कि हिंदू मुस्लिम या किस जात का है या किसका है, ये उसके काम आएगा। इससे बड़ा इसलिए दान नहीं माना जाता। इसी तरीके से और भी कुछ हम ये चाहते हैं कि आयोजन किए जाए जिसमें गरीब तबके के लोगों को, जो महरूम तबके के लोग हैं या जो गैर जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं या जिनके घर में कोई नुकसान हो गया है किसी तरीके का, उनको कमेटी की तरफ से सब लोग मिल करके कुछ मदद करें और उनका दुख दर्द बांटें। तभी हमारे हुजूर अकरम की जो असली जो उनका वो संदेश था कि सभी गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, ये इस्लाम का सबसे बड़ा संदेश। उसी के तौर पे मैं आज इन सबको, जिन्होंने भी कमेटी के लोगों ने मिल करके ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि इस तरीके के जो रक्तदान शिविर हैं वो मौके मौके पर होते रहें, ताकि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमारे लोगों को खून नहीं मिल पाता है और हमारे यहाँ एक गलत तरीके की लोगों के दिमाग में होती है कि खून देने से कमजोरी होती है, ऐसा कुछ नहीं। खून बराबर आदमी के जिस्म में बनता है और ये किसी मशीन में नहीं बनता है, एक दूसरे के काम आना चाहिए, वही सबसे बड़ा संदेश है। इसके साथ ही मैं आज ये कमेटी ने जो इस तरीके की शुरुआत की, इसके लिए बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ। 28 सितंबर को 12 रबी अव्वल है, वो हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। पूरे मुल्क भर में उनके यौम पैदाइश पे झंडे निकाले जाते हैं, मीला शरीफ होते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। ये आज बांदा शहर की मर्दन नाका कमेटी ने एक नया आयोजन किया है, जिसमें एक बहुत ही नेक काम को किया गया है कि खुशियां मनाने के साथ समाज सेवा भी हमारा धर्म है, तो इसलिए कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे समाज का फायदा हो। तो आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कमेटी के बहुत से मेंबर्स ने ब्लड डोनेट किया और ये ब्लड जो है ये ब्लड बैंक जाएगा और वहाँ से ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता, हर आदमी जो है वो 3 महीने में एक बार जो है वो ब्लड दे सकता है। उसका हीमोग्लोबिन और स्वास्थ्य सही होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और जो ब्लड हम देते हैं वो 120 दिन में दोबारा बन जाता है और 3-4 महीने के बाद हम दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। किसी भी ब्लड डोनर को कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी गुफरान कमर, जज शहर कमेटी मर्दन नाका बांधा। आज आप लोगों के द्वारा किस तरह का आयोजन हुआ है? हम लोगों ने आज
ब्लड डोनेट किया है, हमारी कमेटी के सदस्यों ने ही किया है और लगभग 20 प्लस लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है जो कि 28 तारीख को है, उसी के उपलक्ष्य में किया हम लोगों ने।